माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन पूर्वोदय है, जो एक बहुत बड़ा आकार बन चुका है और हर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्यों में हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स के कारण आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बखूबी कहा था, जब तक पूर्वी क्षेत्र का डेवलपमेंट ना हो, भारतवर्ष की इकोनॉमी में उसका छाप नहीं आएगा। वी आर मूविंग टूवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड ईस्टर्न रीजन प्ले बिग रोल, और उसी में उड़ीसा राज्य में हमारे मंत्रालय के द्वारा जितने भी प्रकल्प हैं, उन्हीं में से एक प्रकल्प का आज हम चर्चा करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे साथ पेट्रोलियम विभाग में जुड़े हुए थे, आज वो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेनरशिप में है। उन्होंने अपने कार्यकाल में उड़ीसा के लिए बहुत सारे प्रकल्प की रूपरेखा तैयार की थी। उन्हीं रूपरेखाओं में आज हम बीपीसी के नेतृत्व में कॉमन यूजर फैसिलिटी, जिसमें बीपीसी, इंडियन ऑयल, एचपीसी सबका वहाँ पे सहयोग रहेगा, पर भारत पेट्रोलियम उसको लीड लेगी। वो कॉमन यूजर फैसिलिटी मतलब तेल डिपो हम एक बड़े पैमाने में सदाशिवपुर धनकनाल में बनाने जा रहे हैं। उसी कॉमन यूजर फैसिलिटी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 49.6 एकर्स की जमीन पे 394 करोड़ की लागत में ये डिपो बनेगा। भारत पेट्रोलियम इस पे पूरा कार्य करेगा, कैपेक्स उन्हीं का है, पर इंडियन ऑयल एचपीसी भी उसमें शामिल होंगे, शेयर ऑफ में अपना भाग निभाएंगे। जो हमारा जिला है, केवंझर हुआ, आपका धनकनाल हुआ, अंगुल हुआ, जिस पे सप्लाईज हमारी कंपनीज की या पारादीप से और कुछ जटनी हमारे तमिल से आती है आईओसी की, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो कॉस्ट इन्वॉल्व है और कस्टमर के नज़दीक पहुंचने का जो प्रयास है, उसी में तेल कंपनियों ने ये विचार किया, क्यों ना हम धनकनाल जिला में भी एक डिपो बनाए, ताकि हम ग्राहक के समक्ष पहुंच सके और जो दूरी बनी हुई है हमारे डिपो के साथ इन पेट्रोल पंप की, उनको हम कम करके उनके पास, उनके घर के पास पहुंच के सप्लाई दे पाए। इसी स्टेप में, इसी कदम में ये कार्यक्रम जो तय किया गया है, 28 तारीख को शनिवार को दिन में माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी महोदय, जो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेनरशिप के प्रभारी इंचार्ज हैं, और माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, जो हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय के इंचार्ज हैं, इनके कार्यक्रमों द्वारा